हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ ईटैप्स। मैं सिर्फ शादाब। तो एक स्टूडेंट को डाउट आया है कि सेकेंड ड्रीम्स कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इस वाले प्लान में बहुत सारे सेकेंडरी ड्रीम्स हैं। जैसे ये हो गया, ये वाला हो गया, ये तो ऐसे करके बहुत सारे ही जो हैं इसमें सेकेंडरी ड्रीम्स हैं। एंड डाउट है कि ये वाली बीम कैसे ड्रॉ करते हैं और ये वाली बीम सब कैसे ड्रॉ करते हैं। क्योंकि जब इसका ग्रिड देखते हैं तो इसके ग्रिड में जो है इन लोगों ने सेकेंडरी बीम के लिए कोई ग्रिड बनाया ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो दो चीज़ें कर सकते हैं हम लोग। एक जो होता है कि हम लोग खुद के लिए सेकेंडरी ग्रिड बना लें यहाँ पे, एक्स्ट्रा ग्रिड बना के उस पर हम लोग ड्रॉ कर दें, या फिर अगर वो पॉसिबल नहीं है तो मैं दिखाता हूँ मेथड जिससे हम लोग बीम रेप्लिकेट करते हुए पूरा हम लोग जैसे क्रिएट कर सकते हैं इसका सारा सेकेंडरी बीम। ठीक है, तो ये स्टूडेंट का बनाया हुआ एक मॉडल मिला है मुझे जिसको डाउट था। तो इनिशियली देखते ही बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है सही नहीं लगती, जैसे कि ये सारा ऑर्फन नोड्स जो है यहाँ पे, ये सारा जो है ऑर्फन नोड्स हैं, तो इनको सारा ऑल सेलेक्ट स्टोरी करके इनको सेलेक्ट करना पड़ेगा और इनको करना पड़ेगा डिलीट। ठीक है, ऑर्फन नोड्स रखना सही नहीं होता मॉडल के अंदर, रिजल्ट पे फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से। ठीक है, तो ये प्लीज़ सारा सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिएगा अपने मॉडल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो हम लोग एनालाइज करेंगे, चेक मॉडल करेंगे, देखेंगे कि इसमें कहाँ कहाँ पर गलती है। ठीक है, लेट मी नॉट गो सो फार, एक एम एम पर चेक करेंगे। तो करीब करीब 12 वार्निंग्स हैं यहाँ पे, सेलेक्ट गेट प्रीवियस सिलेक्शन। तो देख सकते हैं यहीं पे जो है बहुत सारी वार्निंग्स मिल रही हैं। क्यों मिल रही हैं? बिकॉज़ यहाँ पे ऑर्फन नोड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एक होता है ऑर्फन नोड जिसके लिए सारे हम लोग को वार्निंग सब कुछ मिल रही है, तो इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एडिट पर चल के डिलीट कर देंगे इन लोग को। ऑलराइट, फिर भी जो है ये का पूरा बीम निकल गया, वापस रीड्रॉ करना पड़ेगा। ऑल राइट, कोई बात नहीं, वो हो जाएगा। लेट्स गो फॉर क्विक ड्रॉ बीमर कॉलम। ओके, एक ही बीम डिफाइन की गई है तो उसको हम लोग यहाँ पे लाके प्लेस कर देंगे और इसको अलग से यहाँ पे लाके प्लेस कर देंगे। देख सकते हैं जितने भी ऑर्फन नोट्स हैं वो चले गए हैं अभी। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्फन नोट्स को सही से निकाल रहे हैं, कि जनरली शुडंट हैव एनी ऑर्फन नोट्स एट ऑल। ओके, तो वो एक बात हो गई। अभी हम लोग चलते हैं मेन काम के पे, काम जो था कि इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दिखा देता हूँ सिंपल सी चीज़ें। तो पहले जो है इसको हमें सेलेक्ट करके ऑल स्टोरीज पे इसको हम लोग करेंगे डिलीट, बिकॉज वो सही से बना नहीं है, इसको हम लोग करेंगे डिलीट। ओके, थोड़ा ओके, तो एक बार डिलीट हो जाए। एडिट करके इसको भी डिलीट करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो पहला पहला क्या करना है मुझे, पहला जो है मुझे ये वाली बीम ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब अगर हम लोग ग्रिड देखेंगे तो इसका जो ग्रिड ग्रिड ही है ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नीचे में एक दिया गया ग्रिड, तो इसको हम लोग नॉर्मली ग्रिड पे ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको लेते हुए सेम बीम को इस वाले ग्रिड पर ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे पास एक छोटी सी बीम है। ऑलराइट, ये सेम बीम जो है यहाँ पर मैं रेप्लीकेट कर दूंगा वाई डायरेक्शन में। ऑलराइट, तो मुझे पता है कि इसका टोटल जो लेंथ है 17 फीट 9 इंचेस है और इसका जो डिस्टेंस है ये 7 फीट 4.5 इंचेस है। तो मुझे इस वैल्यू से माइनस करके ये वाला डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ओवरऑल से रिमेनिंग हटा के बाकी का डिस्टेंस निकालना है। ऑलराइट, तो मैं अभी क्या करता हूँ, कैलकुलेशन में चलते हैं। अब मैं इसको सेलेक्ट किया हूँ बीम को, और इस पर सेलेक्ट करना है बीम को। सेलेक्ट करने के बाद चलना है हम लोग को एडिट पे, एडिट पे जाने के बाद करना है रेप्लीकेट। दो कंट्रोल आर भी कर सकते हैं यहाँ पे, रेप्लीकेट करना है और डी एक्स एंड डी वाई डायरेक्शन में, डी वाई में जाना है। अभी सब कुछ मीटर्स में चल रहा है बिकॉज हम लोग अभी यूनिट्स मीटर्स में रखे हुए हैं। ऑल राइट, तो लेट मैं एक काम करते हैं, इसको यहाँ से चेंज कर देते हैं यूएस डिफॉल्ट में। ओके, सब कुछ फीड में आ गया। तो इसको अभी भी सेलेक्ट किए हुए हैं, एडिट पर चल के रेप्लीकेट करते हैं। अब मान लो कि मुझे वाई डायरेक्शन में 10 फीट जाना है ऊपर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 10 फीट दे के ऑल राइट इसको हम लोग कर देंगे अप्लाई और ओके। ठीक है, तो 10 फीट पे क्या हो गया, हम लोग का बीम रेडी हो गया। अब मैं 10 फीट ऐसे ही नॉर्मल भी दिया हूँ बिकॉज 17 फीट कुछ था, 7 फीट कुछ था, यहाँ मतलब सही कैलकुलेट करके बीम को पुश करना है, यहाँ से हमारा रेप्लिकेट करना है। तो बस दो स्टेप में क्या हो गया, ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया। अब बात करते हैं इस वाले और इस वाले की, सेम चीज़ है, 9 फीट 9 इंचज़ पर ये वाली बीम आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, हम लोग पहले तो ये वाला कर्सर लेंगे, थोड़ा जूम आउट करके एस्केप। ठीक है, अब इसको 9 फीट 9 इंचज़ पर मेरे को रेप्लिकेट करना है, ऑलरेडी किए हुए हैं बट बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और स्टोरीज। तो मेरे को ये सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके एडिट पे आके
रेप्लिकेट करना है इसको। इसको मैं कहाँ पर रेप्लिकेट करूँगा, माइनस एक डायरेक्शन में, ठीक है। एक्स ऐसे में पॉजिटिव जाता है, बैक में आ रहे हैं तो नेगेटिव आता है। तो मैं क्या करूँगा, माइनस 9 फीट, 9 फीट 9 इंचज़ को कन्वर्ट करना पड़ता है। 9 इंचज़ कितने होते हैं वो देख के थोड़ा उसको देख, 9.4 फीट, 9.6 फीट जितना ये बनता है उसको उतना रेप्लिकेट करना करके वी हैव टू डू व्हाट, वी हैव टू डू ओके, ठीक है। इतना हो गया, इसको थोड़ा क्लोज़ कर देंगे। फिर हम लोग क्या है, अपने पास और एक जो है यहाँ पे बीम है, ये बीम ऊपर से नीचे आ रही है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, बीम को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। वापस ज्वाइन करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सेलेक्ट करो, एडिट पर चलो, एडिट फ्रेम्स करके डिवाइड फ्रेम्स करो, यहाँ पे ब्रेकर इंटरसेक्शन करके अप्लाई करके ओके, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, अपना जो बीम होता है ऊपर वाला वो हो जाता है, वो टूट जाता है, ठीक है। एक मिनट, तो ये जो बीम हो गया, ये एक पार्ट हो गया है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, एडिट पर चल के रेप्लिकेट पर चलूँगा। अब मेरे को वाई में नीचे नीचे में आना है, ठीक है। मेरा वाई जो है यहाँ पर एरो मार्क देख सकते हैं, ये वाई बढ़ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो अगर मैं वापस आ रहा हूँ तो वो गिरेगा। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे कितना डिस्टेंस दिया है मेरे को, यहाँ पे लगभग 3 फीट कुछ दिया है। तो मैं क्या करूँगा, -3 फीट करके, फीट जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी फीट में दिखा गया है यहाँ पे। तो -3 करके अप्लाई करके मैं शो कर दूंगा ओके यहाँ से, ऑल राइट। तो इस तरीके से सारा हम लोग को ड्रॉ करना पड़ता है। इसके ये हो जाने के बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को इस वाले बीम को और इस वाले बीम को ज्वाइन करना है, ठीक है। एडिट पर चल के एडिट फ्रेम्स जाना है, ज्वाइन फ्रेम्स करना है, और मेक श्योर कि आप ऑल स्टोरेज में एक्टिव रहें, बिकॉज इफ़ नॉट एक्टिव इन ऑल स्टोरेज दिक्कत हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा बीम बन गया, और ये जो स्प्लिट करना था ये स्प्लिट हो गया, ओके। तो कुछ इस तरीके से बाकी के भी सारे जितने भी हैं, जैसे जब ऊपर जाएंगे हम लोग, ये सारा ओपनिंग है यहाँ पे, तो कोई स्लैब आएगा नहीं यहाँ पे, ऑलराइट। जैसे ये वाला हो गया, तो यहाँ पे जैसे ये बीम को जो है हम लोग यहाँ पे रेप्लिकेट कर सकते हैं 11 फीट 3 इंचज़ पे, ठीक है। जो यहाँ पे किया गया ऑलरेडी 11 फीट 3 इंच पे वो रेप्लिकेट हो गया है, ठीक है। उसके बाद ये वाला बीम भी जो है इसको भी रेप्लिकेट कर दिया सही से, ऑलराइट। तो ये भी आ गया है। तो कुछ इस तरीके से आपको पूरा करना पड़ता है ये चीज़, ऑलराइट। आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अगर इसको डालना है तो क्या करना है, बीम को ब्रेक करना है, करके इसको रेप्लिकेट करना है यहाँ पे, उसके बाद दोनों बीम को ज्वाइन कर देना है, या फिर ग्रिड बना सकते हैं तो ग्रिड बना के सिंपल ड्रैग ड्रॉप करके यू कैन डू इट, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई होप दिस क्लियर्स द डाउट, ऑलराइट। चलिए, थैंक यू।